गाइस मेरिट लिस्ट आ गई है एंड हमने चेक भी कर लिया है। गाइस एएफएमसी की मेरिट लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया, मेरी रैंक नहीं आई है, मतलब मेरा रोल नंबर नहीं आया। वैसे तो मुझे पहले पता था कि मेरा नाम नहीं आने वाला है, लेकिन स्टिल मैं होप्स में था, वेट कर रहा था कि क्या पता शायद मेरा नाम आ जाए। मेरा इंटरव्यू भी अच्छा गया था, पैट भी अच्छा गया था, टोलर भी अच्छा गया था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन आई वॉज डिक्लेयर्ड मेडिकली अनफिट। क्यों आई वॉज डिक्लेयर्ड मेडिकली अनफिट वो मैं एक और वीडियो में बता दूंगा, लेकिन आज मुझे बताना था कि मेरा नहीं हुआ एफएमसी में, मेरा रोल नंबर नहीं आया है एफएमसी में नीट का। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल जिनका भी एफएमसी में सिलेक्शन हुआ, आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर देम। मैं चेक भी नहीं कर रहा था वैसे रिजल्ट, लेकिन फिर मेरे एक दोस्त का मेरे पास मैसेज आया कि भाई एफएमसी का रिजल्ट आ गया है। तो फिर मैंने सोचा कि काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं मेरे रिजल्ट जानने के लिए, तो उन्हें भी बता दूं कि गाइस मेरा नहीं हो रहा है एफएमसी में, आई वॉज डिक्लेयर्ड मेडिकली अनफिट। इंटरव्यू भी अच्छा गया था, पैट भी अच्छा गया था, टॉयलेट भी अच्छा गया था, एंड मेडिकली मैं हर चीज़ों में फिट था, हाइट वेट आई साइट सब कुछ ठीक था। एक पॉइंट है जो तुम लोगों को भी पता होना चाहिए, जब भी तुम एएफएमसी का इंटरव्यू देने जाओ तो फिर अपना ब्लड रिपोर्ट, ब्लड टेस्ट करा के जाना, अपना इंटरनल बॉडी चेकअप करा के जाना सारा, ताकि तुम्हें शुरू से श्योरिटी हो कि तुम्हें तुम मेडिकली फिट हो या अनफिट हो, एंड तब तुम्हारे पास टाइम भी होगा उस चीज़ को करेक्ट करने का। वो चीज़ें मैं बताऊंगा यार तुम सबको कि कैसे इंटरव्यू, क्या क्या कुछ एक्सपीरियंस होते हैं। बस आज मुझे ये बताना था कि यस आई वॉज डिक्लेयर्ड मेडिकल अनफिट फॉर एफएमसी, एंड एफएमसी का सपना तो सपना ही रहेगा। बाकी जब कॉलेज गया तो कॉलेज काफ़ी सुंदर था, उससे बेस्ट कोई कॉलेज है नहीं यार, एफएमसी से अच्छा कोई कॉलेज है ही नहीं, मैं तो ये मानता हूँ। अभी भी मैंने एडमिशन ले लिया है एफएमसी में, नहीं हुआ तो फिर उसके बाद मैंने दिल्ली के आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली वहाँ पर एडमिशन ले लिया है फर्स्ट राउंड के अंदर।